नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि शनिवार को लोग तेल दान में देते हैं। तेल हो गया या फिर काली चीजें, जो उड़द की दाल हो गई, काला कपड़ा हो गया, किसी को भी दान दे देते हैं, जो भी गरीब व्यक्ति होता है। लेकिन हम आज जानते हैं इस वीडियो के दौरान कि हम शनिवार को तेल क्यों शनिदेव पर चढ़ाते हैं। नंबर एक, कभी भी हमने देखा है कि जातक के लोग हमेशा तेल दान करते हैं या फिर काली उड़द की दाल दान में करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को तेल यानी सरसों का तेल अर्पित करने से शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है और जो भी जातक करने के लिए जा रहा है उसके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा वर्षा करती है, जिसकी वजह से शनि के प्रकोप से वह बच सकता है। शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हनुमान जी ने उन्हें कई बार ऐसी चोटें दी हैं जिसकी वजह से शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। हनुमान जी राम की भक्ति कर रहे थे और उसी में लीन थे, तभी शनिदेव ने आकर उन्हें बोला कि कहाँ है, और वह बंदर तो थे ही, बंदर बोला या फिर कोई जानवर बोला, इस तरह से उन्होंने उसे पुकारा, जिसकी वजह से हनुमान ने बड़े प्यार से पूछा और शनिदेव ने उनसे गुस्से में आकर कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम बड़े बलवान हो, वैसे तो बड़े राम के भक्त बनते हो, जरा दिखाओ अपनी ताकत। तो हनुमान जी को इस बात पर क्रोध आने पर उन्होंने शनिदेव को अपने पूंछ में बांधा। पूंछ में बांधने के बाद अपने पहाड़ों पर कूदना, जैसे बंदरों का काम होता है वैसे ही हनुमान ने किया। पहाड़ों पर कूदे, पेड़ों पर चढ़े और उल्टे सीधे कार्य किए, जिसकी वजह से शनिदेव को कई जगह चोट लग गई। और चोट लगने के बाद जैसे ही शनिदेव ने उनसे माफ़ी मांगी, तो माफ़ी मांगने के बाद हनुमान ने उन्हें माफ़ किया और माफ़ करने के बाद उनके घाव को ठीक करने के लिए उन्हें सरसों का तेल दिया। और सरसों के तेल को उन्होंने जहाँ जहाँ घाव थे वहाँ लगाया। तो इसलिए कहा जाता है कि शनिवार को यदि आप शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं तो इससे शनिदेव के घाव दूर हो जाते हैं, यानी कि भर जाते हैं। और शनिदेव के जातकों पर बहुत ज़्यादा कृपा रहती है जो लोग भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं। तो ये कारण है शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाने के। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।